हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी पे। और आज सुबह 6 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आया हूं, जिसका नाम है MLP यानी कि मॉर्निंग लर्निंग प्रोग्राम। मुझे पता है कि काफ़ी मुश्किलों से उठकर आपने ये क्लास ज्वाइन किया है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है तो यकीन मानिए आपके अंदर जुनून है कुछ करने की, इसलिए आपने कष्ट करके ये क्लास ज्वाइन किया है। ये क्लास सप्ताह में 4 दिन आएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। थर्सडे को मेरा हॉलीडे होता है, थर्सडे को कोडन बायोलॉजी में हॉलीडे होता है। और ये अगला 4 से 6 क्लास डेडिकेटेड है DBT JRF के जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ए के। तो चलिए इस MLP के पहले एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं कुछ आसान से सवालों से। पहला सवाल है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन ए प्योर सैंपल वेइंग 558.48 ग्राम। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मोलर मास ऑफ आयरन 55.845 ग्राम होता है, अप्रॉक्सीमेट इतना होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट कितना है आपका 558.45 बाय मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं 55.845। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 मोल आपका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले जो ऐसे सवालों में आपको चीज़ें जाननी है वो है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम अप्रॉक्सीमेट, यानी कि आपके पास 2 मोल हैं। अभी अभी हम लोग मोल निकालने के लिए सीखे हैं कि गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट है 36 और मोलर मास होता है 18, यानी कि 2 मोल, 2 मोल है। अब समझिए कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10^23। अगर 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना होगा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन कैन बी फाउंड इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कार्बन का वेट कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे CO2 का स्ट्रक्चर, इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो मोलर मास कार्बन का क्या होता है, 12.01 अप्रॉक्सीमेट यही होता है, यानी कि 1 मोल CO2 कितना कार्बन कंटेंट करता है, 12.01 ग्राम कार्बन कितना दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, यही इसका आंसर है। और अगर इसमें पूछे कि ऑक्सीजन कितना रखेगा, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 16 × 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, यानी कि 1 CO2 32 ग्राम ऑक्सीजन रखता है और 12 ग्राम कार्बन रखता है अगर वो 1 मोल है। तो अभी जो हम लोगों ने 3 सवाल बनाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हमने क्या बताई। एक तो हमने किया मोल की बात, दूसरा हमने किया मोलर मास की बात, और तीसरा हमने किया नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल है, अगर उसको क्लियरली सॉल्व करना है तो आपको इन तीनों में
इंटर रिलेशन को पता करना होगा। एक मोल का एक मोलर मास से क्या संबंध है और उस मोलर मास का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल का क्या संबंध है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं पहले, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर कार्बन की बात करें हम, तो 12 ग्राम कार्बन का मोलर मास होता है। इसका मतलब कि 12 ग्राम कार्बन कहने का मतलब है कि ये एक मोल है। और सेम टाइम हम लोग यह भी कह सकते हैं कि उस एक मोल में 6.02 × 10³³ कार्बन एटम है। उसी तरह से अगर हम लोग सोडियम की बात करें, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 23.0 ग्राम होता है, इसका मतलब है कि अगर सोडियम का 23.0 ग्राम कहीं दिया है, इसका मतलब वो 1 मोल है। और सेम टाइम पे ये 6.02 × 10³³ सोडियम का एटम मौजूद है उसमें, यानी कि मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल एंड इज इक्वल टू 6.02 × 10³³ पार्टिकल। ये तीन चीज़ें बस आपको याद रखना है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप ये तीन चीज़ें याद रखते हैं तो आपका सारा मोल कॉन्सेप्ट से चीज़ें बन जाएंगी। ये तो हमने बात की एलिमेंट की। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज ही मान लीजिए, जिसका C6H12O6 फॉर्मूला है, इसका मोलर मास 180 ग्राम होता है। इस 180 ग्राम का क्या मीनिंग है कि एक मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस 180 ग्राम में 6.02 × 10³³ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अगर आपको मान लीजिए दिया रहे कि 360 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं, तो हम लोग सिंपल निकाल लेंगे कि 180 ग्राम होगा तो एक मोल, अगर 360 ग्राम है तो इसमें 2 मोल हैं। अगर ये पूछे कितना मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.02 × 10³³, तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों का इंटर रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको एकदम आसान शब्दों में समझाते हैं एक मोल का क्या मतलब है। इसको अगर आप याद कर लिए पूरे स्क्रीन को जो हमने अभी दिखाया है, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके बन जाएंगे। एक मोल कहने का मतलब है कि 6 × 10³³ पार्टिकल है उसमें। उसी समय हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एक ग्राम है उस एटम का, या एक ग्राम मोल है उसका, या एक ग्राम फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास अगर मान लीजिए कि CaCO3 लिए, तो इसको एलिमेंट नहीं कह सकते हम लोग, तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला मास का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई एटम जैसे कि कार्बन है, तो हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट करते हैं उसको, या ग्राम एटम कह सकते हैं। उसी समय पे अगर हम उसका वॉल्यूम का बात करें, तो NTP पे उसका वॉल्यूम एक मोल का 22.4 लीटर होता है, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो एक मोल को हम लोग कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल के तौर पे, मोलर वॉल्यूम के तौर पे, मोलर मास के तौर पे, और एक मोल उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, यानी कि ग्राम में जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वही एक मोल होता है। यानी कि एक मोल को हम लोगों ने तीन तरह से रिप्रेजेंट किया, मास, वॉल्यूम और पार्टिकल के तौर पर। मास में कहेंगे तो उसका मोलर मास, अगर वॉल्यूम कहेंगे तो 22.4, और अगर पार्टिकल कहेंगे तो एवोगाड्रोज नंबर 6.02 × 10³³ पार्टिकल्स। इतना ही बात आपको याद रखना है। एक और इसमें आता है फॉर्मूला N1V1 = N2V2, वही हम लोग कहते हैं इसको M1V1 = M2V2। जब मिक्स करना होता है सॉल्यूशन, या उसका मोलर मास निकालना होता है, या मोलरिटी या मोलिटी निकालना होता है, तो इस फॉर्मूला को काम में लाते हैं। अगर आप ये पूरा स्क्रीन याद कर लेते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आप सभी को हल कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। सबसे ईजी फार्मूला है इस मोल कॉन्सेप्ट में। हमने अभी आपको बताया कि इसको तीन तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें बस हम लोग दो ही चीज़ें करते हैं, जो भी आपके पास गिवन है
और उसको डिवाइड करते हम लोग स्टैंडर्ड से, यही हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल। क्यों अभी गिवन लिखे हैं हम लोग, यहाँ गिवन मास नहीं लिखे हैं, गिवन पार्टिकल नहीं लिखे हैं और स्टैंडर्ड लिखे हैं, इसको अभी समझाते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, या नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, या आयन दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन बटे स्टैंडर्ड पार्टिकल, इसका मतलब कि एवोगाड्रोस नंबर एन ए, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 6.02 × 10^23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर आपके पास मास दिया हुआ है तो सेम सिचुएशन, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ये तो हो गया एटम के लिए। अगर मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन बाय स्टैंडर्ड हम लोग हमेशा करते हैं नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए। तो इससे आपका नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी कि नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, और इससे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, और यहाँ निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल एटम के लिए। बस इतना ही फार्मूला है इसमें। और अभी एक बताया था हमने फार्मूला आपको, N1V1 = N2V2, ये ज़रूरी फार्मूला है जो काम में आएगा हमेशा आपका। बस इतना ही याद रखना, कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो चलिए कुछ आसान क्वेश्चन को और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन ए गैसियस सैंपल। कितना मोल है? 5 मोल है CO2 का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन ए सैंपल, दिया क्या है मोल, और इसको चाहिए क्या मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए Na जो है वो कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ CO2 है, O2 है, कोई भी मॉलिक्यूल है फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है, Na करने का मतलब है कि 6.02 × 10^23 पार्टिकल। तो 5 अगर मोल है तो 5 × एवोगाड्रोस नंबर, यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ कॉपर कंटेन 6.02 × 10^24 एटम, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 एटम डज इट कंटेन। सिंपल सा बात है कि अगर 6.02 × 10^23 रहता, इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल। यहाँ क्या है, 10^24 है, इसका मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये 10 मोल है। कितना इजी है निकालना ये। इसके बाद है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। 1 मोल के लिए हम लोग मोलर मास क्या लिखते हैं SO का, 64 ग्राम। तो 5 मोल का कितना होगा, 5 × 64 ग्राम। हाउ मेनी मोल ऑफ O आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें पता करना है वो है कि CO2 का मोलर मास कितना होगा। तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, इसका मतलब हो गया ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसका मतलब 44 ग्राम। अब समझिए कि 44 ग्राम CO2 कंटेंस 2 ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 का 2 ऑक्सीजन रखता है, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन का रखता है, यानी कि 44 ग्राम जो इसका मॉलिकुलर वेट है 2 मोल रखता है ऑक्सीजन का। तो 88 ग्राम कितना रखेगा, 2 × 2, क्योंकि ये इसका डबल है, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 मोल ऑक्सीजन का रखेगा। अब एक और सवाल है इसमें, व्हाट विल बी द मास ऑफ 10 मोल ऑफ H3PO4। H3PO4 10 मोल दिया हुआ है, और H3PO4 सबसे पहले इसका मॉलिकुलर मास निकालिए। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1 × 3, P
का एटॉमिक मास होता है 30, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो एक ही पी है। और ओ का होता है 4 है, यानी कि 16 × 4, तो कितना हो गया, 3, 30 और 64, कितना आ गया इसका, 7, 9, 97 ग्राम हुआ। यानी कि 1 मोल 97 ग्राम रखेगा H3PO4 का, तो 10 मोल कितना रखेगा, 970 ग्राम। पी का कहीं कहीं 30.5 या 31 भी रहता है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि 980 भी रहा, तो अगर इसको 31 लेंगे हम लोग फॉस्फोरस का मॉलिकुलर मास, तो ये 98 हो जाएगा और इसका 980 ग्राम आ जाएगा। तो अभी तक में हमने आपको बताया है कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें रखना है। तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें याद रखना है और कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब मैं यहाँ लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, आपके लिए क्विज है। 5 मिनट के बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करूँगा और उस क्विज को सॉल्व करेंगे। तो अब समय है क्विज का, 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मिनट का समय है। मैं यहाँ 8 मिनट के लिए आपसे लेता हूँ ब्रेक। 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मिनट है, उसको बनाइए, फिर मैं 8 मिनट के बाद आपको ज्वाइन करूँगा और उसका सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा और एक बार स्क्रीन में 2 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। चलिए अपना टाइमर मिला लीजिए और शुरू करते हैं अभी का क्विज। फर्स्ट
वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ इस सुबह के कष्ट भरे सफर में। काफ़ी कष्टदायक है सुबह उठ के क्वेश्चन बनाना, वो भी जनरल एप्टीट्यूड जो कि अपना नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल, हाउ मेनी मोल आर देयर इन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है, गिवन मास कितना आपके पास 3 ग्राम, मोलर मास है 12 ग्राम, कितना हो गया। एकदम बचपन वाला बुद्धि लगाना है, यहाँ से हम लोग जी मिटा देंगे, गुना भाग करने में आसानी होगी। यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ एक ज़ीरो आएगा, 12 दुनी 24, 6 बच गया यानी कि 60, 12 पंचे 60 यानी कि 0.25, इतना ही मोल होगा। दूसरा क्वेश्चन था, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग किस यूनिट में निकालते हैं, लीटर में, 1 लीटर। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कि मोल पर लीटर, यहाँ पे दो ऑप्शन है लीटर का, आपने जो भी लगाया है अगर इन दोनों में से कोई एक है तो सही है आपका। ml मिली और डेसी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इसमें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर देयर इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर लीटर, है ना, पर लीटर, मोल पर लीटर, तो यही लीटर है एक्सप्रेशन। इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, यानी कि 1 लीटर में 0.5 मोल है HCl का, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1000 ml में 0.5 मोल है HCl का। तो 10 ml में कितना होगा कि 10 × 0.5/1000, 0.0, ये कैंसिल, 0.3 यानी कि 0.005 मोल। आपने कौन सा लगाया इसमें से, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ई 0.005 मोल, ये करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोल ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेशन हम लोग किस में निकालते हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 ml में 0.3 मोल है, तो 1000 ml में कितना होगा, 0.6 मोल, यानी कि 0.6 मोल पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन है, कितना इजी है ये, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। उतना कैलकुलेशन में इसका नहीं जाना है कि 0.3 मोल में कितना ग्राम हुआ, फिर उसको 1000 ml में करना है, एकदम इजी वे है, स्ट्रेट हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज वुड यू नीड इन ग्राम टू हैव 0.8 मोल गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मास निकालना है। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल अगर मान लीजिए कि 0.8 दिया हुआ है आपका, गिवन मास कितना है निकालना है, मॉलिकुलर मास 180 ग्राम है पर मोल, तो अगर इसको निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 180 × 0.8, तो कितना हो जाएगा,
144 ग्राम, 18 8 44 से 144 ग्राम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एड टू 10 ml सैंपल ऑफ एच सी एल विथ कंसनट्रेशन ऑफ 0.5 mole per liter टू ब्रिंग इट अबाउट 10-fold डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना है 10-fold, तो कैसे निकालेंगे डाइल्यूशन हम लोग? 10-fold डाइल्यूट करने का मतलब है कि अभी जो है 0.5 mole per liter है, 10-fold अगर डाइल्यूट करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 0.05 mole per liter। इतना लाना है तो कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? अब हमारा दिया हुआ वॉल्यूम है 10 ml, अगर 10 बार डाइल्यूट करना है तो इसका फाइनल वॉल्यूम कम से कम 10-fold इससे ज़्यादा होगा, यानी कि 100 ml। अब 100 ml सॉल्यूशन है, इसको दूसरे वे में बताते हैं, थोड़ा लंबा है, समझने के लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर होगा। 10 ml सॉल्यूशन में 0.5 molar per liter का कंसंट्रेशन है, ये दिया हुआ है, इसको 10-fold डाइल्यूट करना है, यानी कि आपका मेन कंसंट्रेशन जो फाइनल होगा वो 0.05 mole per liter हो जाना चाहिए, डाइल्यूशन के बाद इतना हो जाना चाहिए। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। अब आप इसमें अगर 90 ml जोड़ दिए तो कितना हो गया? 100 ml। अब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 molar per liter था, यानी कि 1 लीटर में 0.5 mole था, तो 10 ml में कितना होगा? 0.005 mole। अब हम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो 10 ml के सॉल्यूशन में HCl का 0.005 mole है। अब वॉल्यूम तो आपने बढ़ा दिया लेकिन कंसंट्रेशन सॉल्यूट तो अलग से डाला नहीं, सॉल्यूट तो अब भी वही है, तो बढ़ाने के बाद आपका जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो हुआ 100 ml के HCl में सॉल्यूशन में 0.005 mole HCl मौजूद है। अब इसका कंसंट्रेशन निकालिए, अगर कंसंट्रेशन निकालेंगे हम लोग तो अगर 100 ml में 0.005 mole है तो 1000 ml में कितना होगा? यही है पर लीटर, 1000 ml में हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0.05 mol हो गया, यानी कि अब फाइनल कंसंट्रेशन जो आपका आया वो आया 0.05 mole per liter। पहले कितना था? 0.5 mole था, अब फाइनल हो गया 0.05 mole per liter, यानी कि 10-fold डाइल्यूशन आपका हो गया, यानी कि 90 ml ऑफ वाटर हम लोगों ने ऐड किया। समझ के इसको अच्छे से, ये लेंदी है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ठीक है, और सिंपली हम लोग अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि अगर 10-fold डाइल्यूट करना है तो उसका 10-fold ज़्यादा जो है वॉल्यूम होगा, इसीलिए अगर 10 है तो वो 100 हो जाएगा, तो 90 ml और हम लोग जोड़ेंगे, अपने आप 10-fold डाइल्यूशन हो जाएगा वो। तो इसका आंसर हो गया सी,